जेई एडवांस 2019 फ्रेंड्स इसको लेकर आज के न्यूज़पेपर में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है जिसको लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि हिंदी में जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वो जारी कर दिया गया है स्टूडेंट्स की परेशानियों को देखकर जल्दी जारी कर दिया गया है और ऑफिशियल वेबसाइट पर ये उपलब्ध है तो वहां पर जाकर कभी भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं पूरी जानकारी के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में आपको इससे रिलेटेड पूरी जानकारी और उस न्यूज से रिलेटेड पूरी जानकारी जो है वो इस वीडियो में प्रदान की जाएगी नमस्कार दोस्तों मैं हूं पवन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पे तो चलिए शुरू करते हैं ये वो न्यूज है जिसके बारे में हम जानेंगे कि क्या पूछा गया है इसमें क्या बोला गया कि जेई एडवांस के लिए एफ क्यू और हिंदी में इंफॉर्मेशन ब्रोशर जारी जई एडवांस 2019 के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया थी वो शुक्रवार सुबह दस बजे से शुरू हो चुकी है इसी के साथ जई एडवांस 2019 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो एफ यानी निरंतर पूछे जाने वाले प्रश्न जारी कर दिए गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर स्टूडेंट्स को एफ क्यू पढ़कर एम समझ कर ऑनलाइन आवेदन करने की सलाह दी गई है एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि स्टूडेंट्स में सबसे अधिक पेशोपेश कैटेगरी को लेकर बना रहता है साथ ही स्टूडेंट्स कुछ तथ्यों को लेकर काफी असमंजस की स्थिति में है जेई एडवांस दो की ऑनलाइन परीक्षा के दौरान पेपर की भाषा किसी भी समय परिवर्तित की जा सकती है स्टूडेंट्स प्रश्न को हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं उन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया तीन चरण है केंद्र चयन के लिए स्टूडेंट्स के पास छः शहरों के विकल्प है यदि स्टूडेंट्स की जाति केंद्रीय सूची ओ ओबीसी के तहत नहीं आती है तो वह कदापि जी एडवांस के लिए ओ एनसीएल एन सी एल कैटेगरी से आवेदन ना करें तो ये जो एक्सपर्ट है देव शर्मा ने ये स्टूडेंट्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस दो जो है वो दिए हैं फ्रेंड्स इसमें बोला गया है कि जो आवेदन की प्रक्रिया है वो तीन चरणों में होगी तो वो तीन चरण कौन कौन से हैं इसको लेकर मैंने एक वीडियो बना रखा है ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा आई बटन पर तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं और आपके पास छः शहरों का विकल्प रहेगा अपने परीक्षा केंद्र को चुनने के लिए जी एडवांस के लिए जो आपके परीक्षा केंद्र है उनको चुनने के लिए छः शहरों का विकल्प रहेगा उनमें से को, कोई भी आप शहर जो है वो परीक्षा देने के लिए चुन सकते हैं और एफ भी जारी कर दिया गया है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जिसमें आप निरंतर पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में हिंदी और अंग्रेजी और ऑनलाइन जो परीक्षा होती है उसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स है जो जान सकते हैं तो एक बार आप जो जेई में की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर इसको जरूर देख लें तो ये थी आज की छोटी सी एक न्यूज़ जेई एडवांस 2019 को लेकर जो आपकी जो आपको बताना बहुत ही जरूरी था इसलिए हमने ये वीडियो बनाया तो निरंतर ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए और जेई एडवांस और जेई ई मेन से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमने ऑलरेडी कई वीडियोस जेई एडवांस और जेई ई मेन से रिलेटेड डाल रखे हैं तो वो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर एक बार विजिट ज़रूर करें तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता जो है वो लग सके थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू सो मच एंड हैव है नाइस डे